मुंता बात सुनो, मैं अभी देख रहा था कि कार पोर्च में खड़ी होकर तुम यासिर से क्या बात कर रही थी, क्या कह रहा था वो तुम्हें? अयान क्या हो गया आपको? मैं अलिश्बा की खैरियत। अलिश्बा की खैरियत? वाह, जितनी बातें उसने तुम्हें सुनाई है ना, अगर उतनी कोई और मुझे सुनाता ना तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखता। बहन है वो मेरी अयान, और जिस मुश्किल मरहले से वो गुजर रही है मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा तो ठीक है ना यार, पूछ लो खैरियत, लेकिन उस यासिर से पूछने की क्या जरूरत है? अपनी माँ को फोन करो, पूछ लो हाल। तो यार मैं अम्मी से ही उसकी खैरियत पूछती हूँ, वो मुझे नजर आए तो मैंने बस पूछ लिया। ये पूछ लिया, सब समझता हूं मैं। ये यासिर ना जानबूझ के तुमसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा है आजकल। क्या कह रहे हैं यान आप? शक कर रहे हैं मुझ पे? आपको पता है ना मेरा और यासिर का क्या रिश्ता है? वो मेरी बहन का शौहर है यान। तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, यासिर को जानता हूं मैं बचपन से, कजन है वो मेरा, एक नंबर का छिछोरा आदमी है। वो जानबूझ के तुमसे बात करना चाहता है क्योंकि उसको अंदाजा हो गया है कि अलिश्बा से शादी करके उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, और अब वो तुमसे बात कर रहा है। अयान आप क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस आज के बाद अगर यासिर तुम्हें कहीं भी मिले उसको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है मुंता। अयान क्या हो गया, रिलैक्स हो जाए आप इतने, ये क्या? अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगी बात अगर आपको बुरा लगता है तो, लेकिन आपको क्या हुआ अयान? रिलैक्स ही हूं यार, मुझे क्यों ना, तुम नहीं जानती इसको मुंता। फ्रेश हो जाता हूं।